लंबित मांगों को एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन कासगंज के कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध जुलूस निकाल शासन प्रशासन को मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई। अन्यथा की स्थिति में कासगंज तहसील परिसर में मांगे पूरी न किए जाने तक 10 दिन तक धरना प्रदर्शन की भी बात कही। भारतीय किसान यूनियन के जुलूस का नेतृत्व कर अलीगढ़ मंडल प्रभारी कुलदीप पांडे ने बताया कि किसानों की जायज मांगे, किसान आयोग की मांग, किसान दुर्घटना बीमा, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों के लिए शहीद का दर्जा और किसानों को 10,000 रुपए पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन की राह अपनाई जा रही है। अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में किसानों को बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसानों की मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी देने के लिए आज विरोध जुलूस निकाला गया है ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके। क्या नाम है आपका? कुलदीप पांडे। कुलदीप पांडे, जो विरोध किया जा रहा है किसान यूनियन द्वारा, क्यों किया, क्या वजह रही है इसका, क्या मानते हैं? किसान यूनियन द्वारा अभी हमने लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, भारत की सरकार, केंद्र की सरकार बनाने में किसान यूनियनों, किसानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सरकार को चेताने के लिए, जो हमारी मांगें थीं उनको मनवाने के लिए, हम सरकार को चेताने के लिए आज से धरना प्रदर्शन शुरू करने तहसील प्रांगण में जा रहे हैं। हमारा अनिश्चितकालीन 10 दिवसीय धरना है। अगर हमारी बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचाया गया और असंतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन के लिए हम विवश होंगे। किस चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम सरकार से जो हमारी पुरानी मांगे थी, जैसे किसान आयोग की मांग के लिए, किसान दुर्घटना में मारा जाता है तो 5 करोड़ रुपए के लिए, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों के लिए शहीद का दर्जा और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग, किसान के लिए 10,000 रुपए महा पेंशन की मांग के साथ हम किसी कार्यालय का घेराव किया है? अभी कार्यालय का घेराव नहीं था। हमारे किसान जो पल्ली लेने आए थे, दो भाई थे, उनकी जबरदस्ती चालान कर दिया गया। उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी गई। हमने बताया तो कह रहे थे कि इसलिए कर दिया गया, हेलमेट नहीं था। तो मैंने कि आप एक चेतावनी दें, चेतावनी के बाद चालान करें। बहुत से लोग घूम रहे हैं बिना हेलमेट के, जब लोग अपना कागज दे रहा है उसके बाद गाड़ी को सीज कर रहे हैं आप, ये गलत बात है।